हेलो फ्रेंड्स, मैं शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे अगर आपको दूध नहीं पचता तो उसका क्या कारण हो सकता है। साथ ही आपको बताएंगे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस व्यक्ति को क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं और साथ ही इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात करें उससे पहले समझते हैं कि लैक्टोज क्या होता है। दोस्तों, लैक्टोज एक तरीके की शुगर होती है जो कि नेचुरल शुगर है, जो कि हमारे मिल्क में और डेयरी प्रोडक्ट्स में हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, लैक्टोज इंटॉलरेंस कंडीशन में क्या होता है कि जो लैक्टोज शुगर है जो कि मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में हमें मिलती है, ये हमारी बॉडी में इसका डाइजेशन नहीं हो पाता। यानी कि जब आप दूध को कंज्यूम करते हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं जिसमें लैक्टोज शुगर है, तो वो आपकी बॉडी में पच नहीं पाती है। तो उसकी वजह से होता क्या है, आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लैक्टोज कंज्यूम करने के 30 मिनट से लेकर के 2 घंटे तक आपको ये सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको वोमिट आ सकती है, आपको डायरिया यानी कि लूज मोशन हो सकते हैं, आपको ब्लोटिंग हो सकती है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, क्रैम्प आ सकते हैं स्टमक के अंदर। तो इस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है लैक्टोज कंज्यूम करने के बाद। तो दोस्तों, अब इसके डायग्नोसिस की बात करें कि डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो किस तरीके से आपको ये पता पड़ेगा कि आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। देखिए, जब आप अपने सिम्टम्स लेके डॉक्टर के पास जाएंगे कि जब भी मैं कुछ दूध लेता हूँ या जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो लेता हूँ उसके बाद मुझे प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर्स आपको कुछ टेस्ट कराने के लिए कह सकते हैं। उसमें पहला टेस्ट होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट, स्टूल पीएच और लैक्टोज हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट। तो दोस्तों, ये 3 टेस्टों के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है या नहीं है। अब बात करते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस होता क्यों है। दोस्तों, अगर आपकी इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो गया है उसकी वजह से आपको ये लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है। साथ ही जो इस लैक्टोज शुगर को तोड़ने का काम करता है, जो एंजाइम जो इसको डाइजेशन में हेल्प करता है, अगर लैक्टेज एंजाइम आपकी बॉडी में नहीं बन पा रहा है तो उसकी वजह से भी आपके लैक्टोज को डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो इस वजह से भी आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो सकते हो, क्योंकि लैक्टोज शुगर को तोड़ने के लिए हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टेज एंजाइम। अगर ये आपकी बॉडी में नहीं बन पा रहा है तो आपको लैक्टोज आप अपनी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे और आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस होगा और आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो अब इस सिचुएशन में क्या करना होता है। दोस्तों, लैक्टोज इंटॉलरेंस का कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है, पर हाँ, इसके सिम्टम्स को आप अवॉइड कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। अब बात करते हैं कैसे आप लैक्टोज इंटॉलरेंस व्यक्ति को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज़, आपको ऐसे प्रोडक्ट जैसे कि दूध हो गया या जिसमें लैक्टोज शुगर है, वैसे प्रोडक्ट्स को आपको अवॉइड करना है या रिड्यूस करना है। अगर आपकी बॉडी के अंदर लैक्टेज एंजाइम किसी इन्फेक्शन की वजह से रिड्यूस हुआ है तो उस समय तक आपको इसको रिड्यूस रखना है, मतलब आपको ये दूध वगैरह नहीं लेना है जब तक वो इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाता। या अगर आपकी बॉडी में शुरू से ही वो लैक्टेज एंजाइम की कमी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप दूध प्रोडक्ट्स जो दूध होते हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको अवॉइड करिए। ऐसे प्रोडक्ट लीजिए जो लैक्टोज फ्री हैं, जैसे कि लैक्टोज फ्री मिल्क आते हैं वो आप किसी भी डेयरी से ले सकते हैं, जैसे कि कोकोनट मिल्क हो गया, सोया मिल्क हो गया, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं काओ मिल्क के जगह पर। तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स लीजिए जिसमें लैक्टोज ना हो। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपको कुछ टैबलेट्स लेनी होती है, जैसे लैक्टेज एंजाइम जिन टैबलेट्स में हो, या कुछ पाउडर्स आते हैं जिसमें लैक्टेज एंजाइम होता है, वो आप अपने डेयरी प्रोडक्ट्स में ऐड करके उसको ले सकते हैं, ताकि जब भी आपकी बॉडी के अंदर लैक्टोज शुगर जाए तो उसका डाइजेशन अच्छे से हो पाए। तो दोस्तों, इन 3-4 तरीकों से आप अपने लैक्टोज इंटॉलरेंस के जो सिम्टम्स हैं उसको रिड्यूस कर सकते हो और काफ़ी हद तक आराम पा सकते हो। पहली चीज़, या तो लैक्टोज जिस प्रोडक्ट्स में है ही नहीं वही प्रोडक्ट आप कंज्यूम करें, पर अगर आपको कंज्यूम करना है तो जैसे एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा के ले सकते हैं। दोस्तों, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट दे रखी है ऐसे प्रोडक्ट्स की जिसमें आपको लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट्स जो हैं, जो कि आपको मिल्क हो गया, लैक्टोज फ्री मिल्क हो गए, उसका लिंक हमने दे रखा है, कोकोनट मिल्क का आपको लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से जाके उन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। साथ ही आपको लैक्टेज एंजाइम में कौन से पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है उसका भी लिंक हमने दे रखा है, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में से जाके
परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है, किस एंजाइम की कमी की वजह से आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है, और साथ ही आपको बताया कि किस तरीके से आप लैक्टोज इंटॉलरेंस के सिम्टम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियोट।